नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चाहे कोई कितना भी जिद क्यों ना करे, दोस्तों गणेश चतुर्दशी का समय शुरू हो चुका है। यह एक चीज़ किसी को भी भूल कर भी मत देना, वरना दोस्तों जीवन काल में आपको विभिन्न प्रकार की संकट समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों भगवान श्री गणेश का दिवस आ चुका है। दोस्तों, यह पावन पवित्र समय भगवान श्री गणेश जी के नाम है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में भगवान श्री गणेश जी को वृद्धि के कारक मानते हैं। जहाँ भी गणेश जी जाते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि साथ लेकर आती है। जी दोस्तों, और यश में भी सुख समृद्धि आपके घर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी आप गलती ना करें और दोस्तों हर कदम को आप फूक फूक कर रखें। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 10 दिनों का समय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल ही मजाक में ना लीजिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्दशी के दिन या कुछ चीज़ों को किसी को नहीं दान करता है तो दोस्तों उनके ही घर में सुख समृद्धि और वृद्धि हमेशा रहती है। भगवान श्री गणेश जी का वास रहता है। और जो भी व्यक्ति गलती से किसी के बहकाव में आकर या चीज़ किसी को दान दे दे या फिर ऐसे ही अनजाने में दे दे तो दोस्तों उन्हें बहुत प्रकार की संकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूं कहें तो गृह क्लेश उनके घर में हमेशा होते रहते हैं, चारों ओर से उन्हें आर्थिक तंगियां घेर लेती है। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में यश में आपको कौन सी एक चीज है जिन्हें किसी को भी भूल कर भी नहीं देना है, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। शादी दोस्तों बताएंगे कि यश में भगवान श्री गणेश जी का जो दिन है इनमें आपको कौन से महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण उपाय को यश में करना चाहिए ताकि भगवान श्री गणेश जी आपसे प्रसन्न हो सके और भगवान श्री गणेश जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जय दोस्तों, साथी इन 10 दिनों में जो ग्रहों की बदलती चाल होगी, भगवान श्री गणेश जी का जो आशीर्वाद होगा आप सभी के जीवन काल पर क्या क्या प्रभाव करेंगे, आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक जीवन, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार करने वाले हैं, इन्हें सभी की भी विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो दोस्तों इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री गणेश जी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश जी जरूर लिखिएगा। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों गणेश चतुर्दशी का दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है, जो भी व्यक्ति बड़ों का आशीर्वाद लेता है दोस्तों उनके जीवन काल में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती, ऐसा साक्षात भगवान गणेश जी का संकेत होता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जिसको भी अपने जीवन काल में आर्थिक तंगियां चल रही है, जिसके भी जीवन काल में हमेशा संकट आए दिन आते रहते हैं, वह यश में भगवान श्री गणेश जी के चरणों में लड्डू का दान करें। भगवान श्री गणेश जी के लगाए हुए भोग का जो लड्डू होता है वो अपने परिवार के साथ मील बांटकर खाएं। जब भी आप लड्डू का सेवन करें, जब भी आप प्रसाद ग्रहण करें, वर्ष में बिल्कुल भी कहीं से हल्ला नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, क्योंकि यह प्रसाद आप शिव के जीवन काल में दरिद्रता को खत्म करेगा और जीवन काल में जो भी सुख समृद्धि जो आपके मस्तिष्क के मणिपुर चक्र है जो कि धन लाभ के भाव है उनमें यह वृद्धि करता है और आपके जीवन काल में आर्थिक तंगियां खत्म होती है। तो जब भी प्रसाद का ग्रहण करें गणेश चतुर्थी के दिन तो ध्यान रखें कि कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही शांत स्वभाव से आप प्रसादों का ग्रहण करें। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस गणेश चतुर्दशी के दिन आपके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपके द्वार पर कोई भी चीज़ आ सकता है, गाय आ सकता है, बछड़ा आ सकता है, कोई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति आ सकता है या फिर कोई दान दक्षिणा मांगने वाला व्यक्ति आ सकता है। दोस्तों बहुत सारे जीवन काल में व्यक्ति आते हैं लेकिन भूल से भी दोस्तों जब भी गणेश चतुर्दशी का समय प्रारंभ होता है और अंत तक दोस्तों ऐसी क्रियाएं आपको भूल कर भी नहीं करना है। इस गणेश चतुर्दशी के दिन खासकर आप इन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। तो दोस्तों ऐसे भगवान श्री गणेश जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देता है, घर आए मेहमान को धुतकार देता है, शुभ सत्कार नहीं करता है, आदर नहीं करता है, उनके जीवन काल में कभी वृद्धि का वास नहीं होता। जी दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इस बातों का भी आप यश में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान आपको लहसुन और प्याज को खाने से बचना है। त्योहार के दौरान भगवान श्री गणेश जी आपके घर में अतिथि हैं और इसलिए सब कुछ
चाहे वो भोजन हो, पानी हो या प्रसाद हो, पहले आपको भगवान श्री गणपति को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी चीज़ का ग्रहण करें और वो भी शांत भाव से। साथ ही इस दौरान आपको जुए खेलना से बचना चाहिए। घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो, कहीं भी आप जुए बिल्कुल ना खेलें, सट्टेबाजी बिल्कुल ना करें। साथ ही मांस और शराब का सेवन तो शक्त वर्जित है, तो इन सभी का ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों चोरी या धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गणेश को कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही नकारात्मक विचारों से बचें। किसी को भी भगवान की उपस्थिति में लड़ना या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी आपको शांत रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश जी आपकी और आपकी परेशानियों का ध्यान रखेंगे। इसके उपरांत आपको बता दें कि अपने घर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करने के बाद त्यौहार की अवधि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश जी धन और ज्ञान के दाता हैं। इसलिए अगर आपके जीवनकाल में धन से जुड़े कोई भी समस्याएं चल रही है, पेशे कहीं फंस गए हैं या फिर आप कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जीवनकाल में आर्थिक तंगी चल रही है, तो दोस्तों यश में भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना सच्चे दिल से आप जरूर कीजिएगा। भगवान श्री गणेश जी आपकी सभी चिंताओं को, दुखों को और जो भी तनाव है उन्हें नष्ट कर देंगे। भगवान श्री गणेश जी की शुभकामनाएं यश में आपके साथ रहने वाली है। दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी आपको सुख, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। भगवान गणेश जी आपको शक्ति प्रदान करें, आपके दुखों को नष्ट करें और आपके जीवनकाल में खुशियां बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन सभी के लिए एक चीज है जिनका दान आपको भूल से भी किसी को नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईश्वर की भगवान श्री गणेश की कृपा आपके जीवनकाल में सदैव बने रहेंगे और सदैव आप इनके कृपा के पात्र बनेंगे, अगर आप यह कार्य भूल कर भी नहीं करेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों यश में भगवान श्री गणेश जी आपके जीवनकाल में बहुत सारे संकेत भी आपको देने वाले हैं, जिन संकेतों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी के दौरान आपके घर में यकीनन बात है कि चूहा तो ज़रूर ही आएगा। जी दोस्तों, अगर कहीं भी चूहा आपको दिख जाए तो दोस्तों इनसे आपको समझना है कि भगवान श्री गणेश जी आप पर प्रसन्न हो चुके हैं और आपके जीवनकाल में धन धान से घर भरने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी आपको चूहा दिख जाए तो दोस्तों उन्हें भोजन के रूप में, भोग के रूप में लड्डू आप अवश्य खिलाएं और साथ ही वर्ष में भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके आपको अपने मन में भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करना है। जो भी आपके दिल की इच्छाएं हैं, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, सभी वर्ष में आँख मूंद कर अपने मन में विश्वास रखकर भगवान श्री गणेश जी को सुना देना है। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश जी आपकी सारी दुख दुविधाओं को हर लेंगे। भगवान श्री गणेश जी दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त कराएंगे, शांति, आनंद और शांति प्रदान करेंगे, बुराई और गलत कामों से आपकी रक्षा करेंगे और आपकी सभी इच्छाओं और सभी इच्छाएं जो पिछले समय नहीं पूरा हुए हैं दोस्तों वे सभी पूरा करेंगे। कि दोस्तों इस गणेश चतुर्थी के दिन आप जो भी आपसे बुजुर्ग व्यक्ति है, जो आपसे सहारा मांगते हैं, दोस्तों आपसे जो हो सके आप उन्हें जरूर ही मदद करें। इससे भगवान श्री गणेश जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी इनसे आपको शक्ति भी प्रदान करेंगे, आपके दुखों को नाश करेंगे और आपके जीवनकाल में खुशियों को बढ़ाएंगे। आप शिव को बता दें कि दोस्तों जो भी भक्त गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के भक्तों की सहायता करते हैं, किसी के घर में अगर पूजा पाठ का सामान ना हो, अगर वह आपसे कोई मदद मांग रहे हो, तो दोस्तों ऐसे मौके को आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि यही मौका है जब भगवान श्री गणेश जी आपके पास उस व्यक्ति को भेजेंगे और आपकी परीक्षा लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के नाम पर आपसे कुछ भी सहायता मांगे तो दोस्तों दिल खोलकर आप पर जितना हो सके आप जरूर मदद कीजिएगा। दोस्तों यश में आप किसी भी दिन पशु या पक्षी को दाना चुगाना चाहिए और उनको बिल्कुल भी टुकराना नहीं चाहिए। जी दोस्तों, और न ही उन्हें मारना चाहिए। इस दिन पशु और पक्षियों को पानी पिलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी पिला देता है तो दोस्तों उनके जीवनकाल में भगवान गणेश जी आने वाले 7 जन्मों तक कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जय दोस्तों, साथ ही इस दिन दोस्तों जो भी गरीब असहाय व्यक्ति, जो आपसे नीचे स्तर के व्यक्ति हैं,
हमेशा आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर ही मांगते हैं। वह चाहते हैं कि यह चीज़ आपके काम का नहीं है, हमें दे दीजिए। मान लीजिए आपके घर का कोई फटा चप्पल हो या फिर फटे कपड़े क्यों ना हो, अगर कोई भी गरीब आदमी, कोई भी असहाय व्यक्ति जो आपसे मांग रहा हो कि यह चीज़ हमें दे दीजिए, तो दोस्तों भूल कर भी फटे चीज़ उन्हें बिल्कुल भी दान मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आप सामर्थ्य हैं, दोस्तों एक अच्छा वस्त्र ही उन्हें आप दान कीजिएगा। भूल कर भी फटे कपड़े या फिर फटे चप्पल जूते किसी भी गरीब और असहाय व्यक्ति को यश में बिल्कुल भी ना दें। तो दोस्तों ज़रूर ही आप इन उपायों को करें, इन चीज़ों को करने से बचें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।